आर्थिक संकट दी मार झेल रही जेट एयरवेज ने फरवरी विच ही अपने हाथ खड़े कर दिते सी अते 14 फरवरी विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नू एयरलाइन दा कामकाज अपने हाथां विच लैण दे लई जेट एयरवेज वल्लों गुजारिश की गई सी। पहला तो ही कंपनी उपर 8,000 करोड़ रुपए दा कर्जा बकाया सी। जेट एयरवेज दी हालत नू लेके सरकार बेहद चिंतित सी। ए एयरलाइन उस समय बंद हुई जदो देश भर विच चोणां दा माहौल है। कंपनी दे बंद होण दे नाल 23,000 तो वध कर्मचारियां नू अपनी नौकरी तो हथ धोणा पिया। मोदी सरकार उपर पहला तो ही बेरोजगारी नू लेके दबाव बनिया होया सी। सरकार नवीयां नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही। बीते दिन जेट एयरवेज दियां सब उड़ाना वित्ती घाटे दे चलदिया मुअत्तल कीते जाण बाद कंपनी दे लैणदारां ने वाजब नीलामी होण दी उम्मीद प्रगटाई। स्टेट बैंक दी अगवाई विच कर्जदातियां ने जेट एयरवेज नू 400 करोड़ रुपए दा होर फंड देण तों इनकार करन ते एयरलाइंस नू अपनियां सब उड़ाना मुलतवी करनियां पईयां। वड्डे वित्ते कर्जे विच डुब चुकी जेट एयरवेज दे पुनर उत्थान लई कर्जदातियां नू उम्मीद है कि संभावी निवेशक इस नू नीलामी प्रक्रिया दौरान मुड़ बेहतर स्थिति विच लिया सकते हन। करीब 26 साल पहला अहमदाबाद दे शहरी हवाई अड्डे तो पहली उड़ान भरन वाली जेट एयरवेज दे इस समय करीब 16,000 स्थाई मुलाजमा कोल अज कोई भी काम नहीं है। वड्डी गिणती विच जेट एयरवेज दे मुलाजमा वल्लों जंतर मंतर विखे सरकार दा ध्यान खिंचण दे लई शांतमई मार्च कीता गया। उत्थे ही हत्थां विच तख्तियां फड़ियां होईयां सन जिन्हां ते सेव जेट एयरवेज सेव अवर फ्यूचर लिखिया होया सी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।